भिवंडी के चौहान कॉलोनी में 3 साल पुरानी शौचालय की सेफ्टी टंकी फटने से 2 गंभीर रूप से जख्मी और 1 की गई जान। मिली जानकारी के अनुसार ये पूरा मामला सुबह 9 बजे का बताया जा रहा है, जहां सुबह 9 बजे के दरमियान शौचालय में कुछ लोग शौच करने के लिए गए थे, जिसके बाद शौचालय में अचानक से सेफ्टी टंकी ब्लास्ट हुआ और अफरा तफरी मच गई। इसी बीच शौचालय में 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए, जहां 2 जख्मियों को नजदीकी अस्पताल भेजा गया और 1 की मौत घटना स्थल पर ही हो गई। मौके वारदात पर शांतिनगर पुलिस स्टेशन के आला अधिकारी पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल कर रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष रियाज आजमी, स्थानीय नगर सेवक जुबैर अंसारी ने घटना की पूरी जानकारी दी और महानगर पालिका को दोषी ठहराते हुए क्या कहा, आइए सुनते हैं। रियाज भाई, ये बताइए, यहाँ पर जो शौचालय में सेफ्टी टैंक में ब्लास्ट हुआ है, कितनी पुरानी शौचालय थी, कब हुआ ये हादसा और कितने लोग घायल हैं? ये मेरे ख्याल से 2-3 साल पुराना ये मामला है, बहुत ज़्यादा मामला नहीं है और 30 साल के लिए मानव सेवा संस्था को दी गई थी और उस पर क्लीनिंग ना होने की वजह से और लापरवाही के होने की वजह से ये ब्लास्ट हुआ और उसमें 1 आदमी की मौत हुई और 2 आदमी जख्मी। इसको आप इसका जिम्मेदार मानते हैं? इसका जिम्मेदार मैं सीधे सीधे भिवंडी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को जानता हूँ और मानता हूँ। हाँ, मेरा ऐसी मांगनी है कि इनके खिलाफ FIR होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। मानव सेवा संस्था को आपने दिया, मगर इसकी ऑडिट होनी चाहिए थी, चेकिंग होनी चाहिए थी, कुछ नहीं, देखे भूल गए हैं शहर किस तरफ जा रहा है, सिर्फ घर पट्टी पे ध्यान है, किस जगह जाके ताला बंद करूं, कहां जाके शटर गिराऊं, और बोले भाई कानून बहुत सख्त है, सिर्फ वसूली। अभी आप क्या मांग करते हैं? मेरी मांगनी है जो घायल है उनको 5-5 लाख रुपया और जिनके इंतकाल हुआ है उनको 10 लाख रुपया दिया जाए कॉरपोरेशन की तरफ से। यहाँ पर आपने क्या जानकारी, क्या हुआ था यहाँ पे? क्लीनिंग ना होने की वजह से पूरा चैम्बर ब्लास्ट हो गया सेफ्टी टैंक का। सुबह 9 बजे मुझे कॉल आया तो मैं वहाँ पे भाग के गया तो वहाँ मालूम पड़ा 2 लोग उसमें, पहले 2 लोग घायल हुए थे तो उसमें एक को रॉयल हॉस्पिटल ले गया जाया गया आसिफ को और एक जो है IGM में आया है। और उसके बाद हम लोगों ने उसके अंदर ढूंढने की बहुत कोशिश कर रहे थे क्योंकि उसके अंदर पूरा भरा हुआ, टाकी पूरी भरी हुई थी, वहाँ के जो कर्मचारी थे वो कोशिश कर रहे थे, सेक्शन मशीन वगैरह नहीं होते हुए भी हम लोगों ने बहुत कोशिश किया तो बाद में सेक्शन मशीन आने के बाद उसके अंदर देखा गया तो एक अपने मोहल्ले के जो थे इब्राहिम भाई करके उनमें मिले और उसको IGM में लाया गया तो उनको डेथ हो गए उनकी। कितने साल पुराना शौचालय है ये? मेरे ख्याल से 13-14 साल पहले का शौचालय MMRDA के अंडर में बना हुआ है और जो एक संस्था है उसको 30 साल के लिए एग्रीमेंट पे दिया गया है। अब इसमें हम महानगर पालिका में हम कुछ भी शिकायत करते हैं तो उसको खुद देखने के लिए जो संस्था है उसकी देख रेख उनको खुद करना है क्योंकि उन्होंने 30 साल के उसको अपने एग्रीमेंट पे लिया है, रेंट पे लिया हुआ है, उनको खुद देख रेख करना चाहिए। फिर भी हम लोग उसमें जैसा भी हो महानगर पालिका में उसकी कंप्लेंट दिए थे और उसके बाद कई बार हम लोगों ने शिकायत भी किए थे कि उसकी देख रेख सही तरीके से करें। लेकिन आप इस घटना के बाद आप किसको जिम्मेदार मानते हैं, महानगर पालिका को, ठेकेदार को, किसको जिम्मेदार मानते हैं? इस घटना के बाद मैं जितनी भी MMRDA के अंडर में जो टॉयलेट बनी हुई और जो प्राइवेट ठेके पर दी गई हैं ये सब उनकी गलतियाँ हैं। जो हमारे महानगर पालिका की टॉयलेट है उसमें कोई ना कोई यानी उधर जवाबदार बिठाला गया है और उसके लिए हम महानगर पालिका को बोल सकते हैं, इनके लिए हम किसको बोलें? ये तो खुद जैसे ठेके पे ले लिए है, एक बिजनेस जैसे चला रहे हैं। क्या हुआ आज यहाँ पर स्पोर्ट हुआ? हाँ, ये सुबह में 9 बजे जब मुझे फ़ोन आया तो वहाँ जाके पता चला जो अंदर एंट्री मारने पे 2 जो चैम्बर थे वो गैस की वजह से स्पोर्ट हुए। अब स्पोर्ट हुआ तो जो वहाँ पे थे उसके अंदर चले गए। खबर के प्रायोजक हैं दस्तरखान रेस्टोरेंट भिवंडी में, पहली बार कुछ नए अंदाज के साथ दस्तरखान रेस्टोरेंट। दस्तरखान रेस्टोरेंट अपने बेहतरीन स्वादिष्ट खानों के लिए तो मशहूर है ही, साथ ही साथ बेहतरीन सर्विस, ओपन एनवायरनमेंट और ओपन किचन के लिए भी मशहूर। लोग यहां दूर दराज से लजीज खानों के साथ ही साथ ओपन एनवायरनमेंट का भी लुत्फ उठाने के लिए आते हैं, तो इंतजार किस बात का, आप भी आएं और दस्तरखान रेस्टोरेंट की ओपन एनवायरनमेंट और खानों का लुत्फ उठाएं। एड्रेस: बिनाय और ट्रॉय नाका, नासिक रोड, भिवंडी।